हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है मेरी रसोई में। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से टेस्टी भरता बनाने जा रहे। बनाने के लिए यहाँ आलू और टमाटर ले लिए हैं। अब इसको रख देंगे उबलने के लिए। आलू और टमाटर, टमाटर उबालना इसीलिए हम थोड़ा टाइट टमाटर लिए हैं क्योंकि उबालना है इसको। उबालने के लिए रख देंगे। कुकर में डाल के पानी डाल देंगे। पानी डाल के कुकर बंद कर देंगे। बंद करके अब गैस पे रख देंगे। गैस पे रख देंगे मीडियम फ्लेम करके। 2 से 3 सीटी आने का वेट करेंगे। दो से तीन सीटी आ गई है। अब चेक करके आलू निकाल लेंगे। आलू निकाल के इसका छिलका निकाल देंगे। अब आलू का छिलका, आलू उबल गया है। यहाँ हम दो तरह से आज भरता लगाएंगे, लहसुन प्याज का और बिना लहसुन प्याज के। आलू बहुत गर्म, इसीलिए आप इसे हाथ से नहीं फोड़ेंगे। नाइफ ले लीजिए या तो फॉक से किसी चीज से आप फोड़ लीजिए। अच्छे से भरता की तरह बना लीजिए। सेम प्रोसेस से दोनों तैयार कर लें। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी। तीखा आप अपने अनुसार रखें, जितना तीखा आप खाते हैं, पसंद करते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हरी धनिया डाल देंगे यहाँ पे। सरसों का तेल डाल देंगे। भरता में आप सरसों का तेल ऊपर से डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से आप बना के ट्राई करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरता में। अब दूसरा भरता लगाएंगे, इसको साइड में कर देंगे। दूसरा भरता हरी मिर्च बारीक कटी डाल देंगे। एक बारीक कटी मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे। 6 से 7 कली लहसुन लेके अच्छे से कूट लिए हैं। कूट के लहसुन डालेंगे, यहाँ काट के नहीं डालेंगे, अच्छे से कूट लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले बिना लहसुन प्याज वाला मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कंप्लीट हो गया भरता। थोड़ा सा हरी धनिया डाल देंगे ऊपर से और लहसुन प्याज वाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें तेल डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।